हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अच्छी का पुखराइम ब्लॉगर में आपका बहुत बहुत वेलकम है। और फ्रेंड्स, बैटरी होने लगी है मोबाइल की लो और लाइट नहीं आ रही है। कल से बराबर इन्वर्टर जो था वो भी हमारा डिस्चार्ज है बिल्कुल, तो चार्ज नहीं कर सकते उससे भी। और बारिश बिल्कुल बंद होने का नाम नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीषण बारिश हो रही है और छतें वगैरह जो मतलब दीवारें हैं घर की वो तो सारी गीली हो चुकी हैं, पूरा पानी आने लगा है दीवारों से बाहर निकल के। तो फ्रेंड्स दिखाते हैं आपको बारिश कितनी भयंकर वाली हो रही है हमारे यहाँ पे, अभी दिखाते हैं आप। तो फ्रेंड्स देखिए आप लोग बारिश का नज़ारा। दिख रही है अगर ज़्यादा बाहर जा रहे तो मोबाइल भीग रहा हमारा। तो फ्रेंड देखो आप लोग कितनी ज़्यादा बारिश है। तो आपसे मिलेंगे हम थोड़ी देर बाद में। और किचन में भी बिल्कुल अंधेला है तो आपको कुछ हम दिखा भी नहीं सकते, रेसिपी वगैरह भी नहीं दिखा सकते हैं। तो अंधेले में कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है अंदर, तो मैंने सोचा चलो जितना होता है उतना शूट करेंगे बाहर ही निकल के। तो आपसे मिलेंगे फ्रेंड्स थोड़ी देर बाद में, किस किस के यहाँ पे बारिश हो रही है और बताना ज़रूर फ्रेंड्स। और देखो लाइट का क्या होता है, आती है कि नहीं आती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हैप्पी की हो गई थी, मतलब आज मॉर्निंग से ही हैप्पी को फीवर था, तो हैप्पी को मतलब काफ़ी तेज़ बुखार चढ़ा था, बहुत तेज़ हाथ पैर गर्म थे, तो बस वही उसका सर दर्द हो रहा था। तो बोली थी मम्मा मेरा दवा दो, मैंने चलो थोड़ा सा दवा देते हैं और थोड़ा सा आपके साथ शेयर भी कर दिया। और आज कोई वीडियो भी नहीं बना पाई थी मैं, कोई रेसिपी नहीं डाल पाई, कोई खाना वगैरह मतलब कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अंधेरे की वजह से लाइट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है, लाइट नहीं आई है। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, 8:30 का टाइम है रात के, तो अब तो लाइट फ़िलहाल आ गई है। तो यह है मोबाइल मेरा थोड़ा सा चार्ज हो गया है, और अब मतलब इन्वर्टर भी थोड़ा सा चार्ज हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी ज़्यादा। हेलो हेलो फ्रेंड्स, और अब मिल रही हूँ अब आपको। शाम हो गई है, 4:15 का टाइम है, 4:15 का टाइम हो रहा है फ्रेंड्स। और मैंने सोचा चलो वीडियो मतलब बनाएंगे, शायद एक तो मैंने लाइट का वेट किया, लाइट नहीं आई है। और हमारे यहाँ पे कल 2:30 बजे लाइट चली गई थी, 2:30 बजे से लाइट अभी तक नहीं आई है, ना पूरी रात आई ना पूरा दिन हो गया, शाम होने वाली है बट लाइट नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा चलो वीडियो, तो मैंने खाना वगैरह तो बना ही के रख लिया है, तो मैंने कुछ शेयर नहीं किया क्योंकि किचन में कुछ भी फ्रेंड्स दिख ही नहीं रहा था अंधेरे की वजह से। और इतनी तेज तो बादल था आज, इतनी तो पुखराया में बारिश हुई है कि मतलब बहुत भयंकर वाली बारिश हुई है, तो किचन में भी अंधेरा बिल्कुल अंधेरा पड़ा हुआ था। तो मैंने तो जैसे मैनेज करके बना लिया देख दाख के मतलब, और अगर वीडियो में तो कुछ दिखाई नहीं देता इसलिए मैं वीडियो शूट तो कर ही नहीं पाई, ना खाना बनाने का कर पाई। और भी मुझे काफ़ी चीज़ें जैसे कि प्रेस करनी थी, तो जब लाइट ही नहीं आई है तो मैं करती भी क्या। और एक तो पानी की दिक्कत है फ्रेंड्स, वैसे पानी की याद तो दिक्कत नहीं हुई, भगवान से यही प्रे कर रही हूँ कि रात तक दे देना आप, लेकिन लाइट जरूर आज आ जाए तो ठीक है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो देखते हैं क्या मौसम कैसा होता है, देखेंगे। और फ्रेंड्स आज मुझे खाना भी अभी बना के रखना होगा, और अभी तो नहीं मतलब वही 6 बजे के आसपास मैं खाना बना के रख लूँगी क्योंकि लाइट नहीं है अभी तक, देखेंगे शायद आ जाए 1-2 घंटे का और वेट करेंगे, नहीं आ रही है तो मैं बना के रख लूँगी, क्योंकि अंधेरे में फिर कहाँ कैसे नहीं बन पाएगा, तो जल्दी से बना लेंगे। वैसे अब हल्की फुल्की मतलब ठंडक होने लगी है, तो ठंडा खाना बिल्कुल खाने में भी अच्छा नहीं लगता है, तो देखेंगे, मजबूरी है फ्रेंड्स, तो आज खिलाना पड़ेगा मुझे जल्दी से बना के ही सबको। और हैप्पी की मतलब आज हैप्पी को भी फीवर आ गया है, तो उनको भी देख के मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या हो जाता है उसे। और इतना मैंने मना किया था, जागरण देखने गई थी जिस दिन, मैंने कहा ना जाओ, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं, उस रोने लगी तो उसकी वजह से मुझे भी जाना पड़ा। और क्योंकि वहां पे बारिश हो रही थी, मतलब ज्यादा तेज तो नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ बूंदाबांदी हो रही थी, तो वो भींग गई है, उसका सिर भींग गया था। वैसे तो काफी तेज बारिश हुई थी, काफी लोग बैठे रहे थे, मैंने कहा बारिश हो रही है, हम तो हैप्पी को लेके घर चले आए थे, और देखो मच्छर कितने आ रहे हैं ठंडक में। सो फ्रेंड्स हमारे यहाँ मच्छर बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह से उनको भी फीवर आ गया है। और आज मैंने कोई वीडियो नहीं बना पाया, तो
तो मजबूरी थी फ्रेंड्स, तो वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ। मैं वीडियो का ऐसा नहीं सोचती हूँ, मैं एक दिन भी अपना वीडियो स्किप करना नहीं चाहती हूँ, जैसा भी जाए छोटा सा ही जाए, लेकिन वीडियो हमारा डेली पढ़ना चाहिए। हमारी यही कोशिश रहती है कि हमारा डेली डेली मतलब व्लॉग हमारा एक डेली ही जाए, तो बस इसी वजह से मैंने सोचा तो चलो थोड़ी सी आप लोगों से मैं बातें करके अपना व्लॉग बना लेती हूँ। आपके साथ कुछ शेयर तो कर ही नहीं पाए हैं, तो बस यही व्लॉग पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो किसी भी रीजन से थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करना। किस किस के यहाँ पे फ्रेंड्स बारिश हो रही है, वैसे दोपहर में हल्की फुल्की सी धूप निकली थी, हल्की फुल्की सी, ज़्यादा नहीं निकली है। तो लाइट वाले भैया दे सकते थे लाइट, बट उन्होंने नहीं दिए। अब मौसम फिर से बादल छाने वाला है, मुझे लगता है फिर से, देखो जब तक नहीं बरस रहा है नहीं बरस रहा है, लेकिन बरसेगा जरूर, ऐसा मौसम हो रखा है, अंधेरा छाने लगा है। तो अब तो मुझे भी फिर से उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है लाइट की कि आएगी। अभी तो उम्मीद थी दोपहर में कि चलो हाँ आ जाती, लेकिन वो आई नहीं, दी नहीं। हमें लगता भैया ने लाइट वाले वहां से ही नहीं आई यहाँ पे, तो काफी पुखराया में जो अंदर मोहल्ला है वहां पे आई है, काफी लोगों की मतलब अलग अलग जो है मोहल्ला अंदर मेन रोड पे आई है, लेकिन हमारे मंडी में बिल्कुल नहीं आई है लाइट। तो लाइट की काफी प्रॉब्लम हो जाती है, लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, लाइट जलाने की प्रॉब्लम हो जाती है। अरे एक आध दिन ना आए तो चलता है, लेकिन 2 दिन दूसरा दिन होने वाला है तो नहीं चलने वाला है। सो फ्रेंड्स, चलो वीडियो का मैं यहीं पे एंड भी कर देती हूँ। वीडियो किसी भी रीजन से अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे न्यू आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर